हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ATS W750i कैसे यूज़ करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं। उसकी फुल डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके अंदर में। तो आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का दिखता है स्ट्रक्चर, और इस पर मॉडल नंबर भी आ रहा है। यहाँ पर इस पावर केबल को प्लग इन कर देते हैं। प्लग इन करने के बाद में आपको देखेंगे इसमें ऑरेंज लाइट जल रही है, अभी ये रेड लाइट जल रही है, ये फाइनली प्लेन लाइट हो जाएगी, ब्लू या वाइट में हो जाएगी। तो अभी ये रेड है, अभी ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट नहीं होता, कम से कम 1.5 से 2 मिनट लेगा ये कलर को चेंज करने में। तो हम वेट करेंगे जब तक इसका कलर रेड कलर से दूसरा कलर नहीं हो जाता। तो ये फिज़िकली ऐसे पावर से कनेक्टेड हो गया है, और बस अब हम वेट कर रहे हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है, मैं जैसे कि आपको पहले बताया था। अभी भी रेड है ये। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्रीन लाइट जल गई है, बिल्कुल ब्लू दोनों है। तो यहाँ पे हम लैन केबल लगा देंगे इसको एक्सेस करने के लिए। इसको कैसे एक्सेस करते हैं मैं आपको इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। ये मैंने लैन वायर पहले एक केबल लगा दी है, और जो दूसरी केबल होगी वो डायरेक्टली मैं अपने CPU के लैन पोर्ट पे लगा दूंगा इसको एक्सेस करने के लिए। आप देखिए कि मैंने येलो वाली केबल लगा चुका हूँ इसमें, और अब हम इसको एक्सेस मैं आज आपको बताऊंगा कि ATX W750i में कैसे वाईफाई का पासवर्ड चेंज करते हैं। तो लेट्स पहले इसको एक्सेस कर लेते हैं हम। तो बाय डिफॉल्ट IP 120 मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जिसका पासवर्ड वो हम डाल देंगे, लॉगिन पासवर्ड वेब पेज का, और हम डायरेक्टली वाईफाई में जाएंगे उसका पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो ये वाईफाई का टैब आप देख रहे हैं, वाईफाई में जाएंगे, और जो इसका वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाईफाई पासवर्ड लिखा हुआ भी है, और यहाँ पे जो करंट पासवर्ड है उसको चेंज कर देंगे हम, कोई भी पासवर्ड कर देंगे, जैसे कोई भी टेस्टिंग पासवर्ड कर देंगे। सेम पासवर्ड हमें 5G वाईफाई का भी रखना होगा, तभी दोनों के सेम पासवर्ड हमें रखने होंगे, सेम पैटर्न में, कोई भी पासवर्ड जो भी सेम पैटर्न में आपको रखना होगा, और यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर देंगे। तो जो अभी करंट का वाईफाई का पासवर्ड होगा वो अलग होगा, और जो आपने चेंज किया है वो अलग होगा। तो इस तरीके से हम वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।